Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. यार, तो आज हम continue करने वाले हैं class 8 NCERT Science का chapter number 8, cell structure and function. इस chapter से मैंने already दो part upload कर दिया है. अगर आपने उन interesting parts को अब तक नहीं देखा है, तो इसी video की description box में आपको link मिल जाएगी. Simply उस link पर click करके आप उन videos को देख सकते हो. और इसके अलावा अगर आपको किसी भी subject का, किसी भी chapter का videos चाहिए हमारे channel की, तो आप simply YouTube के सर्च बॉक्स में जाके चैप्टर का नाम स्लैश एजुकेशन हाइक्स करके सर्च कर सकते हो. हमारी वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी. अगर आप नए विजिटर हो हमारे चैनल के यार, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 8.4. इसमें पूरा है क्या इस एक्टिविटी को, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं. टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन. आपको करना क्या है, एक माचिस की तीली लेनी है और उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कर देना है, तोड़ देना है. Scrap inside of your cheek without hurting it. अब उस माचिस की तीली को क्या करो, अपने मुंह के अंदर ले जाओ और अपने जो चिक, जो गाल का इंटरनल वाला हिस्सा है, वहां पर थोड़ा सा स्क्रैप करो, खुरचो, ठीक है. प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. अब उसके बाद मुंह से निकालो और जो माइक्रोस्कोप की ग्लास स्लाइड होती है ना, उस ग्लास स्लाइड के बीच में आप देख रहे हो थोड़ा सा गहरा सा जगह है, उसमें वाटर डालो और वाटर के बाद ये जो तुमने स्टिक निकाली है अपने मुंह से डिप कर दो, डुबो दो. उसके बाद क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, कुछ ड्रॉप उसमें आयोडीन मिला दो और उसको कवर स्लिप लगा के ढक दो, ठीक है. और अगर आपको आयोडीन नहीं मिलाना तो अल्टरनेटिवली आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, एक दो ड्रॉप मेथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी मिला सकते हो आयोडीन की जगह पर. उसके बाद क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब इस पूरे स्लाइड को देखेंगे ना, यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल. आप देखोगे कि इस स्लाइड में तुम्हें बहुत सारी सेल्स दिखेंगी. ये जो सेल्स होंगी, ये आपके चिक सेल्स होंगी, आपके गालों के अंदरूनी हिस्से की ये सेल्स होंगी. इन सेल्स में आप क्या क्या देख पाओगे, आप सेल मेम्ब्रेन देख पाओगे, आप साइटोप्लाज्म देख पाओगे कि इस सेल में साइटोप्लाज्म कहाँ है, इस सेल में न्यूक्लियस कहाँ है. ये सारी चीजें आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो दिख जाएंगी. लेकिन एक बात याद रहे आपको कि चिक सेल जो होता है, जो इंसानों का सेल होता है या जो एनिमल सेल होता है, उसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है. दैट मींस सेल वॉल नहीं होता है. समझ में आया? अब मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं ह्यूमन चिक सेल का. आप देख पा रहे हो ये है ह्यूमन चिक सेल. इसमें आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस. ये जो बीच वाला पूरा हिस्सा देख रहे हो आप, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के बाहर का जो ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. अब इस पूरे सेल का जो एकदम लास्ट वाली बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन. सेल का मेम्ब्रेन मतलब सेल की दीवार, ठीक है. न्यूक्लियस में भी देख रहे हो आप बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन. लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की दीवार है, ठीक है. न्यूक्लियस की दीवार को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल की दीवार को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. और इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. समझ में आगे होंगे आई थिंक आपको कौन कौन सी चीजें हैं इसमें. चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं. अब यहां पर साइटोप्लाज्म, एक एक करके हम इन सारी चीजों को जानेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म. इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. जो साइटोप्लाज्म होता है, आप देख पा रहे हो साइटोप्लाज्म क्या है. यहां पर सीधा डिफिनेशन दी गई है साइटोप्लाज्म की, कि ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है. सेल मेम्ब्रेन कहां है, ये आउटर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये वाला ना, ये वाला हिस्सा पूरा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. और ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है. समझ में आया. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में ना और भी बहुत सारी कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें जिसे हम ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, वो मौजूद होते हैं इसमें. जैसे इनमें कौन कौन सी चीजें मौजूद,
मौजूद होती हैं, जैसे इन साइटोप्लाज्म में ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, दूसरा फिगर, इसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिख जाएगी, ये है गॉल्गी बॉडी और ये है राइबोसोम। अब इन सब चीजों के बारे में आप सेपरेटली अपने आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। वैसे हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। अगर कोई भी जीवित सेल है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। जो बीच वाला गोला वाला हिस्सा आपको दिख रहा था ना, वही था न्यूक्लियस। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आमतौर पर गोलाकार होता है और सेल के बीचों बीच पाया जाता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगर आपको सेल के न्यूक्लियस को देखना है तो वो नॉर्मली नहीं दिखेगा। आपको पूरे सेल को क्या करना पड़ेगा, पड़ेंगे स्टेन लगाने पड़ेंगे, दाग धब्बे लगाने पड़ेंगे। दाग लगाने से क्या हो जाता है, सेल में हम दाग कैसे लगाते हैं भाई, तो ये आप स्टेनिंग एक प्रोसेस होती है। स्टेनिंग, दाग लगाना जिसे हम कहते हैं, स्टेनिंग एक प्रोसेस होती है जिससे सेल में स्टेन किया जाता है। स्टेन करने से क्या होता है, सेल की जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीजें हाईलाइट होके दिखने लगती हैं। समझ में आया आपकी स्टेनिंग का क्या मतलब होता है? तो हम न्यूक्लियस को कैसे देख सकते हैं, इट कैन बी स्टेन्ड, इसमें हम धब्बे लगाकर, दाग लगाकर न्यूक्लियस को देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है हमारा, ये है न्यूक्लियस बीच वाला, ये न्यूक्लियस ना एक बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, जिसे हम कौन सी बाउंड्री कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस का दीवाल कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब यहां पर सीधे सीधे कहा गया है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा सा पोरस, भुरभुरा होता है और अलाउ करता है, अनुमति देता है कि न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल साइटोप्लाज्म तक जा सके और साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर तक आ सके। आप देख पा रहे हो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इतना भुरभुरा होता है कि इस साइटोप्लाज्म की चीजें अंदर जा सकती हैं और अंदर की चीजें इस साइटोप्लाज्म में आ सकती हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, with a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus। अब अगर हम अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप यूज करें जिसमें मैग्निफिकेशन पावर थोड़ा सा ज्यादा हो, तो हम देख पाएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी गोलाकार चीजें होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस से भी छोटी चीज न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है। समझ में आया? इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस के अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसी चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर आपने क्रोमोसोम का नाम सुना होगा तो द बेस्ट है, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये जीन्स कैरी करते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होती है, जीन्स होती है। जीन्स आप समझ सकते हो डेटा केबल का काम करता है। डेटा केबल जानते हो, जो मोबाइल से लैपटॉप में चीजें ट्रांसफर करने के लिए हम डेटा केबल यूज करते हैं, वैसे ही पेरेंट के अंदर की जो क्वालिटीज है वो बच्चे में ट्रांसफर होती है जीन्स के थ्रू। समझ में आया? तो क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करते हैं और जीन्स का क्या काम होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख रहे हो यहां पर कि जीन्स का काम क्या होता है, ये ट्रांसफर करते हैं करेक्टर्स। मतलब अगर आप ऐसे मान के चलो पेरेंट्स, अगर माता पिता के जो बाल हैं वो घुघराले हैं, तो बच्चे के भी बाल क्या होंगे, मोस्ट लाइकली घुघराले होंगे। अगर माता पिता के जो आईज हैं वो ब्लू हैं, तो मोस्ट लाइकली बच्चे का भी जो आईज होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जीन्स ट्रांसफर हुआ है उनके माता पिता का उस बच्चे के अंदर। समझ में आया? द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। आप क्रोमोसोम को ऐसे नॉर्मल सेल में नहीं देख सकते हो, जब सेल डिवाइड करता है। सेल डिवाइड, जो सेल डिवीजन होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा
बाइनरी फ्यूजन, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आप इतना जान लो अभी के लिए कि जब सेल डिवाइड होता है तभी हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। समझ में आया? अब इसके बाद की जो चीजें हैं, जैसे हमें जीन्स के बारे में यहां पर दिया है, तो आप जीन्स के बारे में ब्रीफ में पढ़ सकते हो कि जीन्स एक्चुअली होते क्या है। मैंने बता दिया जीन्स एक डेटा केबल का काम करता है, ये वो सबस्टेंस होता है जो अगर पेरेंट्स से बच्चे के अंदर चली जाए तो जो पेरेंट्स की क्वालिटीज होती है वो बच्चे के अंदर चली जाती है। बस इतना ही होता है जीन। आप इसकी जो महाभारत है पढ़ लेना, ठीक है, उसमें हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। नाउ आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब यहां पर न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो केवल ट्रांसफरिंग का काम नहीं करता। हमने देखा ना न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन पाया जाता है। जीन क्या काम करता है? माता पिता के कैरेक्टर्स बच्चे में ट्रांसफर करता है, ये तो काम होता ही है न्यूक्लियस का। इसके अलावा न्यूक्लियस हेडक्वार्टर का भी काम करता है, मतलब कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल में जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी क्रियाकलाप हो रहे होते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस करता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एक सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो जाए, आप देख पा रहे हो ये, चाहे ये न्यूक्लियस हो जाए, चाहे ये साइटोप्लाज्म हो जाए, इन दोनों के एडिशन को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है। समझ में आया? द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल, मतलब एक लिविंग सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मैंने बताया आपको कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये सेल का जीवित हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि सेल में अगर कोई भी लिविंग पार्ट है तो वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसे हम मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। चलो अब यहां पर पहली कुछ पूछ रही है। पहली कह रही है कि पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। अब यहां पर पहली ये पूछ रही है कि चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, क्या उनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेम साइज का होता है? तब हम पहली को बताते हैं कि सेम साइज का होता है कि नहीं होता है। चलो अब हम ये ग्रीन बॉक्स में आपको चीजें दिख रही ना, सॉरी पिंक बॉक्स में, हम इसको पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर सेल्स होते हैं ना, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। मतलब वो एक फिक्स्ड शेप के नहीं होते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब एक जगह फिक्स होते हैं। समझ में आया? देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया सेल होता है उसमें न्यूक्लियस की दीवार नहीं होती, न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होता है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. अब यहाँ पर आपको मैं prokaryotic cells practically बता देता हूँ होता क्या है। prokaryotic cells वो cells होते हैं जिनके अंदर nucleus तो होता है लेकिन nuclear की दीवार नहीं होती। ये जो nuclear membrane दिख रहा है ना, जिस cell में ये नहीं होता है, इसी को हम prokaryotic cells कहते हैं। simple भाषा में हम यही कह सकते हैं, समझ गए? और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन अल्गी काई जो हमारी मिट्टी पे लग जाती है वो भी हमारा क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। अब इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। ये देख सकते हो आप कि द सेल्स, ऐसे सेल्स जैसे कि हमारा प्याज का सेल हो गया, ओनियन सेल हो गया, या हमारे
इंसानों का सेल हो गया, जैसे हमने चिक सेल की पिक्चर अभी देखी थी ना, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, मतलब एक फिक्स शेप का होता है, ठीक है। और इनके अंदर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी होती है, आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस की दीवार है कि नहीं है। तो जिस सेल के अंदर इस न्यूक्लियस की दीवार हो, इसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया, कोई भी जीव जंतु हो लेकिन वो बैक्टीरिया ना हो, उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। बैक्टीरिया को छोड़कर हमारे धरती पर जितनी भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट पेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। व्हाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां से लेकर यहां तक क्या पूछा है? यहां पर ये पूछा है भाई कि जब आप ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, ओनियन सेल को आपने अगर ऊपर ओनियन सेल नहीं देखा है तो आप इस सेल को मान सकते हो, ये जो ए वाला सेल है ना, ऐसा ही कुछ होता है ओनियन सेल, ठीक है। ये ए वाला फिगर मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, मैं कलर नहीं कर पा रहा हूं, आप बीच वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, ये है हमारा ओनियन का सेल। ये ओनियन सेल नहीं है एक्चुअली, ये प्लांट सेल है, लेकिन ओनियन सेल ऐसा ही होता है। समझ में आया? अब यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर आप ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको एक खाली हिस्सा दिखेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक खाली हिस्सा दिखेगा, ये खाली हिस्सा देख पा रहे हो आप, ये खाली हिस्सा, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। यही ऊपर बताया गया है कि ये जो खाली हिस्सा है इट इज कॉल्ड वैक्यूल। ये क्या कहलाता है? ये वैक्यूल कहलाता है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एस इन एन ओनियन सेल। अब यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर सीधे तौर पर ये कहा गया है कि ये जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा सा होता है, और जैसे ओनियन सेल में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। आप मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स, ये जो खाली स्थान पाए जाते हैं, वो एक ही होते हैं लेकिन बहुत बड़ा सा होता है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। आप देख पा रहे हो जो इसका खाली स्थान है इस प्लांट सेल का वो बड़ा है, और ये जो एनिमल सेल का खाली स्थान है ये वाला, ये तीनों बहुत छोटे हैं, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ट्रेड स्कैंटिया लीफ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो ट्रेड स्कैंटिया के पत्ते होते हैं, ट्रेड स्कैंटिया के पत्ते आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आप छोटी छोटी अलग अलग रंग की चीजें देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ना, ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई हैं, और इन चीजों को ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। ये जो कलर्ड बॉडीज आपको दिखती है ना, जब हम ट्रेड स्कैंटिया के पत्ते को माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो हमें कुछ रंगीन सी छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी, इन्हीं रंगीन चीजों को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक्स कहते हैं। समझ गए, प्लास्टिड्स कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग रंग के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब यहां पर बहुत अच्छी चीज ये कही गई है कि जो कुछ प्लास्टिड्स होते हैं वो कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल कौन सी चीज होती है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। प्लांट अपना खाना किसकी वजह से बनाता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पत्तों को हरा बनाता है, और हरे पत्ते ही क्या बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अब आगे यहां पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप ऐसे समझो कि ट्रेड स्कैंटिया के जो पत्ते हैं इनको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी हमें रंगीन चीजें दिखेंगी, इन रंगीन चीजों को हम प्लास्टिड्स कहते हैं, और जो प्लास्टिड हरे रंग की होती है इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। नाउ दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, इन क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये पत्तों को हरा रखने में मदद करती हैं। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब मैंने आपको बताया ही कि क्लोरोफिल का महत्व क्या है, क्लोरोफिल खाना बनाने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस वो
प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से जो प्लांट होता है, जो प्लांट के पत्ते होते हैं, वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है इसको हम जानेंगे। अब सिंपली इस पूरे लंबे से पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, बस यही कहा गया है कि चलो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो भाई हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, हम क्यों पढ़े उतना। चलो अब यहां पर आप कंपैरिजन कैसे, आप ये टेबल देख पा रहे हो, टेबल 8.1। अब इसमें देखो यहां पर ये चीजें दी गई हैं कि हम कौन कौन सी बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे। दैट मींस कि हमें ये देखना है कि ये सारी चीजें, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है कि नहीं होती। अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में अगर प्रेजेंट है तो लिखो प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है तो लिखो प्रेजेंट है, अगर एनिमल सेल में अब्सेंट है तो लिखो अब्सेंट है, प्लांट सेल में अब्सेंट है तो अब्सेंट लिखो। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे दो तो आपको करके दे ही दिया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, जो सेल वॉल होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे देखो सेल वॉल कहां है, सेल वॉल आप देख पा रहे हो, ये जो बाहर वाली दीवार दिख रही है आपको, ये पतली सी बाहर वाली दीवार, इसी दीवार को हम सेल वॉल कहते हैं। आप देख रहे हो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये दीवार क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन यही एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट है। देख रहे हो आप, कोई दो लाइन दिख रही है क्या, इसमें दो लाइन है, इसमें दो लाइन नहीं है। तो ये जो ये वाली लाइन है इसको हम सेल की क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इसके बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं न्यूक्लियस, भाई ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है, तो दोनों में हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो, इस न्यूक्लियस की दीवार है इसमें भी और इस न्यूक्लियस की दीवार है इस पे भी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, दोनों में प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब साइटोप्लाज्म, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये वाला हिस्सा मोटा वाला, ये प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में ये जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो दोनों में प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आपको केवल किसमें दिखेंगे, प्लांट सेल में, आप देख पा रहे हो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिड्स, ये हरे हरे कलर की चीजें दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो होती है वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में अब्सेंट। वैक्यूल्स, दोनों में वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है, लेकिन होता दोनों में है, तो प्रेजेंट और प्रेजेंट। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स लेके आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एजुकेशनल हाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।